हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक मेथी और उड़द दाल की रेसिपी। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम मेथी ली है और हमने 1 किलो पालक लिया था, वो हमने अच्छे से धो के साफ़ करके यहाँ पे काट के धो के रख लिया है। और हमने 350 ग्राम हमने यहाँ पर काली उड़द दाल ली है, इसको भी हमने धो के अच्छे से रख लिया था। चलिए तो अब हम इसको पालक में ही मिक्स कर देते हैं और इनको पकने के लिए रखते हैं, इसमें मसाला डालते हैं। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालेंगे। और मिर्ची डालेंगे, कुटी हुई मिर्च ली है हमने यहाँ पर, 2 चम्मच ली है कुटी हुई मिर्च। और हम यहाँ पर 1 गिलास पानी डालेंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। तो सीटी लगाने तक इसे पकने रखेंगे हम, इसमें 3 सीटी लगाएंगे जब तक हमारी दाल ना गल जाए। चलिए तो यहाँ पर हमारी 3 सीटी पूरी हो गई है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी है। यहाँ पर हमारा कैमरा धुंधला हो गया था हमारी सब्जी की आंच से। तो यहाँ पर हमारी दाल पक चुकी है। चलिए तो अब हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको कढ़ाई में निकाल ली है, तो अब हम इसको 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। और ध्यान रखना है हमें दाल इसकी खड़ी रखनी है, हमें इसकी दाल को ज़्यादा गलाना नहीं है, वरना वो घुल जाएगी पक के और अच्छी भी नहीं लगेगी। इसलिए हमने इसको खड़ी दाल रखा है ताकि ये खाने में बहुत अच्छी लगे। चलिए तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 5 लाल मिर्च ली है कश्मीरी, 3 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक लिया है बारीक कट कर लिया था, थोड़ा सा लहसुन लिया है उसे भी कट कर लिया था। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने रख दिया था, तो यहाँ पर अब हम पहले मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से ब्राउन कर लेना है। चलिए तो यहाँ पर हमारा तड़का रेडी है। चलिए तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी है, मेथी पालक दाल की।